चाची जाने ब्रेकफास्ट जिस ले रहे हम लोग आके चाची ब्रेकफास्ट चाची चाचा का ब्रेकफास्ट दे लेता हूँ दीदी थोड़ा सा भाई पहुँच गया भाई चाची चाचा का ढाबा फेमस ढाबा। हाँ भाई जी खांग छू 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 ये यूज खांग Hi guys, welcome back to my channel Rabke with Father. सभी को कुशल मंगल होंगे और टाशी डायलेक्ट टू ऑल। और आज हमारा हॉलीडे का सातवां दिन है और हम यहाँ से चंद्रताल लेक जाएंगे और इसके बाद फिर हम जाएंगे चाचा चाची के ढाबा जो मशहूर है। और आप वीडियो में लास्ट तक रहिए और रास्ता बहुत ही ख़तरनाक है। मैं तो पहली बार इसे रास्ते पे आ रखा था और अब क्या करें, काफ़ी दूर हम लोग आ चुके थे, वापस भी नहीं जा सकते हैं, इसीलिए रास्ता बिल्कुल ख़तरनाक है। मेरे अपने लाइफ में तो ऐसे रास्ता कभी नहीं देखा और डर डर के हम लोग चल रहे थे, लेकिन पहुँचने के बाद तो वहाँ पर इतना एंजॉय किया आप वीडियो पे देखिए। और जिस बंदे ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। स्टे ट्यून इन वीडियो, लेट्स गो। रास्ते के बीच में बर्फ़, इतने साइड में इतने बर्फ़ है और जून के महीने में भी बर्फ़ पिघलना नहीं है, इतना बर्फ़ पड़ा हुआ है। तो बच्चे लोग थोड़ा सा बर्फ़ में खेलना चाहता था तो हम लोग बीच रास्ते पे रुक गए हैं और बच्चे लोग देखो बर्फ़ रोड के साइड में बर्फ़ और इसके ऊपर थोड़ा सा आगे अगर 500 मीटर जाएंगे तो बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आएंगे। तो हम जब रोड में था तो इतना बर्फ़ पड़ा हुआ है तो बच्चे लोग कह रहा था कि खेलेंगे, तो हम यहाँ रुक गए हैं खेलने के लिए और बच्चे लोग इंजॉय कर रहे हैं।
तो हम काफ़ी ऊपर आ चुके थे, ताकि जून महीने में भी बर्फ़ अभी भी नहीं पिघला है, तो काफ़ी बर्फ़ ऊपर है। So, yeah. So, is it? Is it? So, sure, that's it. Is it? Yeah. This is my way. This is your way. This is your way. Rabke bibidan se rabke de chuda है। देखो जुलाई में भी अभी बर्फ पड़ा हुआ है, अभी बर्फ का गाइस, फाइनली हम चंद्रताल पे आ गए हैं, और चंद्रताल ये है, और इतना अच्छा नज़ारा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ से हम लोगों ने गाड़ी छोड़ा है वहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। चढ़ाई है और डाउन है, चढ़ाई है, और यहाँ पहुँचने के बाद ऐसे नज़ारा देखिए, देखो आप, इतना प्यारा नज़ारा है। और ये देखो यहाँ पर बुद्ध का फ्लैग भी लगा रखे हैं, और ये देखो इतना प्यारा लैक, और इतना सुंदर पहाड़ी, ये सब देखने के लिए हम लोग नीचे से आए थे। तो ये बुद्धिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये लैक को हम लोग अच्छा मानते हैं, और हमने गाड़ी को यहाँ पार्क किया है, और गाड़ी यहाँ पार्क करने के बाद हमें 3 किलोमीटर पार करना पड़ेगा पैदल की लेक को देखने के लिए। तो थोड़ा बहुत चढ़ना भी पड़ता है, थोड़ा बहुत डाउन भी करना पड़ता है, और यहाँ पर भारत सरकार ने कुछ नोटिस चिपका हुआ है कि यहाँ पर गंदगी नहीं मना बजाना है, और कुछ वाइल्ड एनिमल्स वगैरह यहाँ पर मिल सकते हैं, तो उससे सतर्क रहना है, और कुछ जगह का ये बता रखे हैं। तो हम सब फैमिली यहाँ ठहरे हुए हैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करके, और अपने पास जो भी खाने का लाया है हम लोग यहाँ पर नाश्ता पानी करके फिर आगे की तरफ, लेक की तरफ निकल रहे हैं। तो सब लोग, बच्चा सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो ये आगे आगे बिल्कुल आगे जाना पड़ता है, 3 किलोमीटर दूरी है, तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा रेस्ट करके फिर जाने के लिए तैयार है। मौसम बहुत ही अच्छा है, और पहाड़ी देखो, पहाड़ी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आसमान और पहाड़ छुआ हुआ है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, और बीच पे खुला मैदान, इतना सुंदर व्यू है।
कि मैंने तो कभी जिंदगी लाइफ में ऐसे देखा नहीं है। और हम लोग अब निकल पड़े हैं आगे की तरफ। तो ये देखो मेरे पिताजी जो 88 इयर्स ओल्ड है फिर भी निकल पड़े हैं कि लेक को देखना है करके निकल पड़े हैं। और सब धीरे धीरे निकल रहे हैं और टूरिस्ट ज़्यादा नहीं है, थोड़ा वो आ रखे हैं, सभी जा रहे हैं लेक के तरफ पैदल। और कभी ऊपर चढ़ा कभी डाउन करके रास्ता है, पक्का रास्ता नहीं है, कच्चा रास्ता भी जाना पड़ता है। ये देखो मेरे लड़का, और देखो जैकेट पहना, इतना ठंड है, हवा इतना आ रहे हैं। ये देखो ये हम सब देखो धीरे धीरे करके जा रहे हैं। तो पिताजी थक गए हैं, उनका उम्र है 88 ईयर ओल्ड और वो थक गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि आगे नहीं जाएंगे, उनके लिए हम रोज एक कुर्सी जो डिकैल्टन से लिए थे वो ले जाते हैं, क्योंकि रास्ते में अगर कोई चलने के बाद थकने के बाद कोई बैठने का जगह नहीं मिलते तो उसका हम लोग वो कुर्सी यूज़ करते हैं। तो पिताजी कह रहे हैं कि अब आगे नहीं जाएंगे क्योंकि थक गए थे। तो पिताजी वहीं पर ठहर गए हैं और हम लोग निकल पड़े आगे लेक की तरफ। Thank you.
और अब हम चंद्रताल लेक देखने के बाद अब हम जा रहे हैं चाचा चाची ढाबा, जो हमारे रास्ते पे पड़ते हैं करीबन 30 किलोमीटर चंद्रताल से होंगे, और हम लोग वहाँ जाएंगे लंच करेंगे। तो रास्ता आपको बताया था ना, रास्ता बहुत ही ख़तरनाक है, फिर भी हम चलो निकल गए हैं, और ऊपर वाले की दुआ से हमें अभी तक कुछ नहीं हुए हैं, और हमारी गाड़ी को भी कुछ नहीं हुआ है। तो हम रास्ता तो बहुत ही ख़तरनाक है, और फिर भी हम लोग ध्यान से चला के और मंजिल तक हमें पहुंच गए हैं। और हम यहाँ से 30 किलोमीटर दूर चाचा चाची ढाबा, जो मशहूर ढाबा है, मशहूर इंटरनेशनली है, इन्होंने बहुत ही अच्छा मदद किया हुआ है लोगों का, इस ढाबा ने, चाचा चाची ने बहुत से लोगों को मदद किया हुआ है। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं चाचा चाची का ढाबा में, आपको पूरा व्यू दिखाएंगे, स्टे ट्यून इन वीडियो। ले रहे हम लोग आके चाची ब्रेकफास्ट, चाची चाचा का ब्रेकफास्ट दे लेता हूँ, थोड़ा सा पहुँच गया भाई चाची चाचा का ढाबा, फेमस ढाबा। हाँ गाड़ी पहुँच गए, गरी तू था गरी ने पास ना जी। नमस्ते जी, ढाबा दादी ¡Gracias!
तू आ गया Okay.